वृष राशि वालों, क्या आपके कष्ट इस 2024 में खत्म होंगे या अभी ऐसे ही कष्ट चलते रहेंगे? और कब तक ये कष्ट चलेंगे? और क्या कहीं कोई ऐसी किरण है जो आपके लिए बचाव की स्थिति बना रही हो? ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। बताना चाहता हूं, मन में है, बहुत कुछ है, पर वीडियो बहुत लंबी भी बना सकता हूँ। जब बताने पर आऊँगा तो इतना कुछ है, पर सीमित शब्दों में अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो को सुनना। आपको किस से सावधान रहना है? कौन आपके पीछे लगा हुआ है? कौन आपको नीचे गिराना चाहता है? कौन सी राशि के लोग आपके पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं इस वर्ष 2024 में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना, और ना लगे तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं अपने विचारों को रखने के लिए। तो वृष राशि, जी हाँ, सबसे पहले बता देता हूं, आपके पीछे कर्क राशि वाले हाथ धो करके लगे हुए हैं। आपके पीछे सिंह राशि वाले भी हाथ धो करके पीछे पड़े हुए हैं। आपके पीछे वृश्चिक राशि वाले भी हाथ धो करके पीछे पड़े हुए हैं। आपके पीछे मेष राशि वाले भी लगे हुए हैं। आपको ये चार राशि वाले इस 2024 में नीचे दिखाना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं, आपको कमजोर करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। अब आपको कब कष्ट हो सकता है, या आपके कष्ट बरकरार बने रहेंगे? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वर्ष 2024 में वृषभ राशि के लिए 1 मई के बाद कुछ खुशियों के पल आएंगे। जी हाँ, क्योंकि खुद आपकी राशि के अंदर देव गुरु बृहस्पति का आगमन होगा। वैसे तो गुरु महाराज भी आपके दुश्मन ही हैं, ज़्यादा अच्छा फल नहीं देते वृष राशि में, बट वो आ जाएंगे ना जब, तो उनकी दृष्टियाँ आपके लिए अच्छी हैं। वो दृष्टियाँ आपके मैरिज लाइफ के लिए अच्छी है, तो यानी कि कष्ट हट रहा है, और वो कष्ट हट रहा है आपकी मैरिज लाइफ को लेकर के 1 मई के बाद से। वो कष्ट हट रहा है आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद को लेकर के। इस चीज में आपको मेजर रिलीफ मिलेगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह देना चाहता हूं। अब आपके ऊपर है कि आप कितना समझते हैं, कितना आप चीजों को फॉलो करते हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 2024 में कुछ ऐसे पर्टिकुलर टाइम पीरियड हैं जिसमें आपको सचेत रहना पड़ेगा, आगाह रहना होगा, और वो टाइम जो है 31 जुलाई से और 24 अगस्त तक का ऐसा रहेगा। इस अंतराल में आप थोड़ा सा दूरी बना करके रखना अपने खास प्रिय लोगों से। आपको जनता से धोखा मिल सकता है, आपको अपने लोगों से हानि पहुंच सकती है। आपको 31 जुलाई से लेकर के और 24 अगस्त तक, और 24 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक, ये टाइम पीरियड आपके कष्ट को बढ़ाने वाला रहेगा। और ये जो मैंने टाइम बताया ना, 24 अगस्त वाला जो 18 सितंबर तक चलेगा, इसमें आपके बुद्धि को भ्रमित कर देगा शुक्र। आपकी राशि ही डिस्टर्ब हो जाएगी, आपके डिसीजन लेने की क्षमता ही कमजोर हो जाएगी, और आप योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं कर पाओगे। कंफ्यूजिंग माइंडसेट के साथ में आप आगे बढ़ोगे और आप कहोगे कि मुझे नहीं समझ में आ पा रहा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ऐसा होगा। इसके अलावा, बहुत ध्यान के साथ और गंभीरता के साथ आपको बोल रहा हूं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा विशेष 6 नवंबर से लेकर के और 2 दिसंबर तक। इस टाइम पीरियड में भी मुझे आपके लिए कुछ कष्ट नजर आ रहा है। ये टाइम पीरियड भी आपके लिए सम्मान के लिए अच्छा नहीं है, ये टाइम आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ये आपको स्त्री को पुरुष से, पुरुष को स्त्री को हानि पहुंचाने वाला रह सकता है। इस टाइम पीरियड में आपको कोई गुप्त रोग हो सकता है। इस टाइम पीरियड में स्त्री जनित रोग यहाँ पर स्त्रियों में देखने को मिल सकते हैं। इस टाइम पीरियड में अगर आप फिल्म लाइन में हैं, इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप इंडस्ट्री में किसी भी रूप में हैं, आपको हानि हो सकती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों,
ये तो मैंने अभी बात करी उस समय की, जिस टाइम पीरियड में आपको कष्ट हो सकता है। इसके अलावा वृष राशि वालों, आपसे मैं कह देना चाहता हूं कि आपको परिवार में कष्ट बढ़ सकता है, और वो जो कष्ट आपको बढ़ेगा ना, दिनांक 26 अगस्त से लेकर के और लगभग वो आपका 20 अक्टूबर तक कष्ट रहेगा। इस टाइम पीरियड में वृष राशि वाले अपने घर से कमजोर हो जाएंगे। आदमी कहता है ना, बाहर वालों से तो मैं लड़ लूंगा, पर घर वालों से कैसे मैं मैटर को सुलझूं, यानी घर वालों के सामने आदमी मजबूर हो ही जाता है। तो ये टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें आपको घर से कष्ट होगा। और एक बात और बोलूँगा आपको, मैं कोई यहाँ आपको डराने नहीं आया, स्पष्ट कर देता हूँ, मैं सिर्फ आपको अपने सजेशंस दे सकता हूँ एस्ट्रोलॉजिकली। आपका साहस का घर है, पराक्रम का घर है, भाई बहनों का घर है, और उस घर में कोई ग्रह नीच का आकर के बैठ जाए तो वो आपको कैसा रिजल्ट देगा, आप सोचिए। ऐसा ही होगा वृष राशि वालों के लिए जब उनके तीसरे भाव में मंगल नीच के होकर के आएंगे 20 अक्टूबर को, तो वो भी आपके लिए तनावपूर्ण स्थितियों को पैदा करेंगे। वो आपको धोखा दिलवाएंगे अपने खास सगे घनिष्ठ संबंधियों से, और जो लोग आयु में आपसे छोटे हैं उनके द्वारा आपको हानि पहुंचेगी। और अभी रिसेंटली बात कर लेता हूं, ज्यादा दूर की नहीं करता, तो कुछ शुभ समाचार भी हैं, और वो शुभ समाचार बहुत जल्दी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, और वो है दिनांक 19 मई। जी हाँ, 19 मई से लेकर के 12 जून तक आपके लिए एक बड़ा सुंदर मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, जो आपकी उन्नति के लिए अच्छा है। और अगर बड़े ग्रहों के फल की बात करूं तो ये कहना चाहूंगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि गुरु आपकी राशि के अंदर आ रहे हैं 1 मई से 1 ईयर के लिए, और साथ में शनि के फल को और जोड़ देता हूं कि शनि आपके खर्च के घर को देख रहे हैं, नीच राशि को देख रहे हैं, 12th हाउस को देख रहे हैं, तो अभी शनि आपके पास पैसा नहीं रुकने देंगे, आपके खर्चे काफी कराएंगे। ऐसा योग यहां आपकी राशि में, वृषभ राशि में पूर्ण रूप से बना हुआ है, यानी कि आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें आज पता चली हैं जिनका प्रभाव ज्योतिष में बहुत ज्यादा है। अभी आपसे मैं कहना चाहता हूं, और मैं थोड़ा सा नजदीक की बात करूंगा, कि 15 अप्रैल से लेकर के 1 महीने तक आप थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि उच्च के सूर्य खर्च के घर में रहेंगे, खर्चे उच्च कोटि के आपके होंगे, बड़े खर्चे आपके यहां पर सूर्य ग्रह कराएंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। तो वर्ष 2024 आपके भाग्य के लिए और आपके कैरियर के लिए तो बहुत उत्तम है, पर अभी कष्ट इन तारीखों में तो आएंगे जो तारीख मैंने आपको नोट कराई है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब करना भी आपसे ज्यादा चाहता हूँ। कुंडली बनवाने, दिखवाने, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष के लिए संपर्क कर सकते हो। नमस्कार।